कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। सुक्खू का कहना है कि डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी ना तो डॉक्टर ना ही पुलिस के जवानों को सरकार मास्क मुहैया करवा पाई है, जबकि सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का खतरा इन लोगों को ही है। डॉक्टर जहां अस्पताल में दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, वहीं पुलिस जवान भी सड़कों पर बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में यदि कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो पुलिस के जवानों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं को सरकार को 2 माह का वेतन देना चाहिए, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा तक को लेकर गंभीर नहीं है। सुक्खू ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि कोरोना संक्रमण को लेकर कर्फ्यू लगाने के समय ही कोरोना से लड़ाई लड़ने वालों को सबसे पहले सुरक्षा के इंतजाम करती, लेकिन सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है। सरकार के पास आपदा से निपटने के लिए 300 करोड़ का फंड है मिली है, जो सड़क पर पुलिस कर्मचारी जो इस व्यवस्था को बनाए हुए हैं उनके पास जो एक फेस मास्क होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। और कई जगह IGMC है, टांडा है, नाहन का मेडिकल कॉलेज है, चंबा का मेडिकल कॉलेज है, मंडी का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पैरामेडिकल का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर है, स्टाफ नर्सिस है, उनके पास भी फेस मास्क प्रॉपर नहीं है। हमने फैसला किया है कि हम अपनी निधि से कल IGMC में और जो DDU हमारा दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा COVID-19 का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया है उसमें कल कम से कम 100 मार्क्स मेडिकल कॉलेज टांडा को एंड 95 और DDU रिपन को एंड 95 राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज को 100 मार्क्स एंड 95 मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो पुलिस स्टेशन है या CSC है उनमें N95 के करीब और सभी मेडिकल कॉलेज में हम 100 के करीब N95 मास्क का वितरण आने वाले 2-3 दिन में कर देंगे, क्योंकि इसकी उपलब्धता बहुत कम है। तो इसलिए हमारे पास जितना भी स्टॉक हमने मंगाया है उसको हम कल पहले IGMC में भेजेंगे, हमीरपुर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे और सभी मेडिकल कॉलेज में जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार के अधीन है वहाँ हम 100 N95 मार्क्स भेजेंगे। और जो पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर है उनको भी हमारी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है वो N95 मार्क्स जो सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं या पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी ये मार्क्स उपलब्ध करवाएगी और मैं अपनी निधि से ये मार्क्स उपलब्ध करवाऊँगा, अपनी जेब से मैं अपने ये मार्क्स उपलब्ध करवाऊँगा। जैसे कि अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि 40 दिन बीत जाने के बाद भी आज हम फेस मास्क भी उन कर्मचारियों को उन अधिकारियों को नहीं दिला सके तो ये सरकार की असफलता दर्शाती है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।